आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजारा लौकी के पौधे की केयर के बारे में। आप अपने हजारा लौकी के पौधे पर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं? यदि दोस्तों आपके हजारा लौकी के पौधे पर फल आते तो हैं पर वह रुक नहीं पाती हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी हजारा लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा और आपके हजारा लौकी के पौधे पर एक भी फल नहीं जड़ पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस हजारा लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस हजारा लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से लौकियां खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस हजारा लौकी के पौधे पर इस टाइम 1000 से भी ज़्यादा फल आए हुए हैं और इस हजारा लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीफ्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का निकलना भी स्टार्ट हो रहा है। और इस हजारा लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह इसी प्रकार से चारों तरफ निकल रही है और इन ग्रोथों के साथ साथ लीफ्स यानी पत्तियां निकल रही है, उन्हीं के साथ साथ चारों तरफ फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार से जो लीफ्स निकल रही हैं उन्हीं के प्रकार से छोटे छोटे फलों का भी आना शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हजारा लौकी के पौधे की केयर के बारे में। हजारा लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे हजारा लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे? तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने हजारा लौकी के पौधे पर 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके हजारा लौकी के पौधे की रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका हजारा लौकी का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने हजारा लौकी के पौधे में साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं उसे यूज कर देना है और आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वो कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़े बड़े साज के फल हो जाएंगे। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने हजारा लौकी के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके हजारा लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने हजारा लौकी के पौधे पर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके हजारा लौकी के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके हजारा लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए इस लौकी के पौधे में इस गोबर की खाद को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर DAP ली है। इस DAP को भी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों इस DAP को भी इस लौकी के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस DAP को भी इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हाथ की सहायता से मैं इस सॉइल में
इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के साथ साथ 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी हजारा लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।